आपको भरोसा है कि जेपी नड्डा के सामने जो नीतीश कुमार ने कहा कि दो बार हमसे गलती हो गई, अब नहीं होगा? नीतीश बाबू के मुंह से बात निकलती है ना, क्योंकि उनके साथ में बहुत वर्षों से रहा हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। भाई किसी नेता का निर्णय निर्णय होता है, उसमें उनको किसी से क्षमा क्या मांगना होता है जी? बड़े नेताओं का इस प्रकार से क्षमा मांगना अच्छा नहीं। लेकिन कई बार क्षमा मांग चुके हैं नीतीश कुमार को, तो आपसे बेहतर कौन जानता होगा। नीतीश कुमार तो कभी भी बीजेपी से कम सीट पे लड़ेंगे नहीं। ये भी चर्चा है कि मुकेश सहनी को भी आप लोग ले आइएगा, तो कैसे बांट दीजिए? तेजस्वी यादव ने कहा है कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे हमारी सरकार बनेगी। क्या ये घोषणा एनडीए के लिए भारी पड़ सकती है? क्योंकि 2020 का चुनाव याद कीजिए कि जब रोजगार का नारा तेजस्वी यादव ने छेड़ा था, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। ये तो मानिएगा ना कि आपकी सरकार में बिजली जो है सबसे महंगी है। राजनीति कॉम्पिटिटिव है, वो 200 कहेंगे आप कहिएगा 300, ही कहां गिरेगा, दाले बने, चाहे वो तेजस्वी जी दे नीतीश जी दे, फायदा तो बिहार के लोगों को होगा ना। प्रशांत किशोर की भूमिका आप देखते हैं 25 में या अभी शुरुआत कर रहे हैं अभी टाइम? देखिए बिहार में अभी बहुत कुछ चल रहा है और खासकर एनडीए के भीतर जिस तरह से सीट शेयरिंग की मांग तेज हुई है, एलजीपीआर ने कह दिया है कि हम हर जिले में एक उम्मीदवार जरूर उतारेंगे, वही उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव का फॉर्मूला नहीं चलेगा। इधर तेजस्वी यादव भी यात्रा पर निकले हुए हैं और नीतीश कुमार लगातार बहुत तेजी से अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग भी कर रहे हैं, तो क्या बिहार समय से पहले चुनाव में जाएगा, इसे समझने के लिए आज हमारे साथ है। और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी की रणनीति क्या होगी और जो हमारे साथ बैठे हुए हैं उनकी आगे की राजनीति कैसे होगी, हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं आरसीपी सिंह और हमारे साथ हमारे चैनल की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी भी हैं, उनके भी कुछ सवाल रहेंगे। सर स्वागत है आपका। और जैसा कि मैंने इंट्रो में ही कहा, क्या आपको भी लगता है, क्योंकि मेरी जितनी साल की पत्रकारिता है उससे ज़्यादा आपका अनुभव है राजनीति के अंदर, क्या बिहार वाकई चुनाव में जा रहा है क्या? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, पर मुझे नहीं लगता है, क्योंकि देखिए केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, बिहार में भी एनडीए की सरकार है, तो समय के पूर्व चुनाव करने का न तो कोई औचित्य दिखता है और न कोई इसका बहुत सटीक कोई कारण दिखता है। लेकिन सर जिस तरह से तैयारियां शुरू हुई हैं, आप भी देख रहे होंगे, तेजस्वी यादव यात्रा पे निकल चुके हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, फ्री बिजली 200 यूनिट फ्री बिजली की घोषणा भी कर चुके हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। नीतीश कुमार लगातार अधिकारियों पे कह रहे हैं कि समय से पहले काम पूरा होना चाहिए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग लगातार हम हर विभाग में देख रहे हैं, डीएम बदले जा रहे हैं तमाम जगहों के, तो ये सब जो चल रहा है और खासकर एनडीए के अंदर जिस तरह से सीटों को लेकर अभी से प्रेशर बनाना शुरू किया, क्योंकि हम देखते थे पहले कि 2-4 महीना पहले से ये तमाम चीज़ें शुरू होती थी, लेकिन सब लोग अगर ये अचानक से ये करेंगे तो ये लगता तो है सर कि आखिर अचानक से ऐसा क्यों? देखिए जरा समझिए, जो चुनाव जो 2025 में निश्चित है उसकी समझिए सब कार्रवाई सितंबर से शुरू हो जाती है, और आप बिहार में जानते हैं कि 15 जून के बाद ही बरसात का मौसम आ जाता है, तो जितनी भी पार्टियां हैं सबको पता है कि 2025 में जो चुनाव होना है तो तैयारी तो अभी करनी पड़ेगी, तैयारी तो करनी पड़ेगी ना, आपको जनता से संपर्क को बढ़ाना पड़ेगा, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना पड़ेगा, आपके संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, और इसके लिए पूरी तैयारी करनी पड़ती है, पक्ष को अपनी तरफ से, विपक्ष को अपनी तरफ से, ये तो करना ही पड़ता है। और एक बात आपने कहा कि जो सीट शेयरिंग का जी, तो देखिए जितने भी अलायंस पार्टनर होते हैं, हम लोग बहुत सालों से देखें, सबके दो चीज़ें होती हैं, एक तो देखिए एक निर्णय ये होता है कि आपको इस गठबंधन में रहना है या नहीं रहना है, आपका अगर कंडीशनल है तो आप नहीं भी रह सकते, लेकिन आप रहने को निश्चित किए हुए हैं तो सीट शेयरिंग बहुत बड़ा इशू नहीं रहता है, हमेशा से होता रहा है। और जो भी पार्टी रहती है उनका काडर होता है, उनके पार्टी के नेता होते हैं जिनके चुनाव लड़ने में दिलचस्पी होती है, तो उनको भी एड्रेस करना पड़ता है। तो सामान्य रूप से भी अगर देखिएगा तो हर एक
प्रदेश में जहाँ चुनाव होता है और जहाँ गठबंधन के अंदर चुनाव लड़ते हैं, तो जितनी भी उनकी सहयोगी पार्टियाँ होती हैं सब अपना अपना एक पोजिशनिंग करता है। नहीं ठीक है सर, चलिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा ये अर्ली लग रहा है। खैर आप कह रहे हैं समय पे चुनाव होगा और मैं मानता हूँ कि अगर आप कह रहे हैं तो वाकई ऐसा होगा, लेकिन जिस तरह से ये दावे किए जा रहे हैं, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी की ओर से हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा ने नया सिगुफा छोड़ा है कि भाई लोकसभा चुनाव के आधार पर विधानसभा में सीटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुद वो लोकसभा हार गए एक सीट पे, राज्यसभा गए हैं आप ही लोग के बदौलत, तो इस प्रेशर को कैसे बीजेपी टेकल करेगी? देखिए मैंने बताया ना कि सबसे पहले तो आपको ये तय करना होता है कि हमारा ये एनडीए का गठबंधन है और इसमें जितने हमारे सहयोगी दल हैं सब इसमें रहें। देखिए सबसे जरूरी तो ये होता है ना, उसके बाद उसके जो कहते हैं कि जो नीटी ग्रिटी पर आते हैं कि भाई अगर कोई कह रहा है कि हमको इतना सीट चाहिए, वो बोल रहा है इतना सीट चाहिए, आप सीटों की संख्या जानते हैं कि 243 है आज की तारीख में, और 243 जो सीटें हैं उसमें ये भी आप जानते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू और दोनों की संख्या ज़्यादा है, आदरणीय मांझी जी के भी है, बाकी लोगों के और किसी के भी हैं नहीं, तो स्वाभाविक है कि आपके जब नए पार्टनर हैं और आपने उनको लोकसभा में भी साझेदारी दी है, उनको संख्या दिया है, तो आप तो उनको तो आप भी एकोमोडेट करेंगे ही। लेकिन कैसे करेगी बीजेपी सर? अब देखिए लोकसभा के फार्मूला, या मैं जहाँ तक बीजेपी और जेडीयू, खासकर मैं नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार को तो आपसे बेहतर कौन जानता होगा, नीतीश कुमार तो कभी भी बीजेपी से कम सीट पे लड़ेंगे नहीं। लोकसभा की बात अलग है, विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, बीजेपी से कम सीट पे लड़ेंगे नहीं, बीजेपी 100 सीट से कम पे लड़ेगी नहीं। तो मान लीजिए कि 100-100 सीट, मतलब एक अनुमान में ये कर रहा हूँ, 43 सीट में चिराग पासवान जो कह रहे हैं हर एक जिला, चलिए मान लीजिए कुछ कम भी थोड़ा ज़्यादा डिमांड होता है, जीतन राम मांझी की अपनी अपेक्षा है, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा अभी से राग अलाप रहे हैं, आप लोगों ने ये तय कर लिया है कि भाई लोकसभा में हमने चाचा के साथ जाति की थी यानी चिराग पासवान के चाचा के साथ, इस बार उन्हें भी रखना है, उसके बाद ये भी चर्चा है कि मुकेश सहनी को भी आप लोग ले आइएगा, तो कैसे बांट दीजिएगा? देखिए आप पिछले बार की याद करिए, पिछले बार तो मैं था, तो आप देखिए कि जेडीयू और जेडीयू के साथ जो मांझी जी को लगाया गया था, तो 115 सीट पर जेडीयू लड़ी थी और मांझी जी 7, मतलब 243 में 122 सीट पर लड़े थे, और बीजेपी 121 पर, जिसमें कि आपको आपने दिया था मुकेश सहनी जी, पार्टियां 4 थी, लेकिन तय कर लिया गया कि भाई एक आपकी तरफ से होगा, एक आपकी तरफ से होगा, 122-121, देखिए क्योंकि 243 है तो बराबर तो हो नहीं सकता जी, वो तो वो है माने जो, अब आप देखिए कि इस बार जो है आपके पास माने 6, हाँ 6, और मान लीजिए अगर मुकेश सहनी आते हैं तब सर, तो देखिए होता क्या है ना कि जब आप बैठते हैं, एक बात इस, एक बार जब आप बैठते हैं ना किसी उसमें, तब अपना पक्ष रखिएगा ना, क्लेम का आधार रखिएगा ना, जैसे देखिए एक बात आप जानते हैं कि कभी भी किसी कहीं भी किसी भी गठबंधन में बात करिएगा, वो बैठता है तो जितना उसका सीटिंग है उससे तो कम पर नहीं कोई लड़ेगा ना, पहला होता है सीटिंग गेटिंग का ये जो प्रिंसिपल है ना वो वेल एस्टेब्लिश्ड है कहीं भी कोलिशन है ना जी। देखिए तो आज आप देखिए सीटिंग गेटिंग में अगर चलिएगा तो बीजेपी की जितना सीटिंग है उसको तो नहीं ना काट सकते हैं, जेडीयू में जितना सीटिंग है उसको तो आप नहीं काट सकते हैं, जीतन राम मांझी जी का है उसको आप नहीं काट सकते, तो एक फिक्स हो गया ना आपको, तो जो भी 123-124-125-26-27 जो भी संख्या एग्जैक्ट है वो तो हो गया क्योंकि वो सीटिंग है। अब बाकी बचता है आपके, मान लिया अगर 127 है तो 116 आता है, अब 116 में किस प्रकार का बंटवारा करना है, तो वो जब आप बैठते हैं ना, जब लोग बैठते हैं तो देखिए मैंने क्या कहा कि सबसे पहले तो जो कहता है ना कि आपका नियत एनडीए को मजबूत करने का है, एनडीए मुर्रा करके चुनाव लड़ने का है, तो फिर आदमी 2 सीट 4 सीट 5 सीट के लिए कोई अपनी बात रखता है, लेकिन अंत में जो स्थिति है उसको समझ कर करके वो रह जाता है। इसलिए देखिए कहीं भी जाइए किसी भी गठबंधन में देखिएगा बड़ी हार्ड बार्गेनिंग होती है, बड़ी हार्ड पोजिशनिंग होती है, लेकिन अंत में लोग इसी बात को उस पर आ जाते हैं। ठीक है सर, तेजस्वी यादव ने कहा है कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे हमारी सरकार बनेगी, क्या ये घोषणा
एनडीए के लिए भारी पड़ सकती है, क्योंकि 2020 का चुनाव याद कीजिए कि जब रोजगार का नारा तेजस्वी यादव ने छेड़ा था, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। खैर उसमें चिराग मॉडल भी बहुत काम किया था जेडीयू को डैमेज करने में, आप तो उस समय जेडीयू में थे। इस बार यही सवाल है, एक तो 200 यूनिट बिजली फ्री और क्या इस बार प्रशांत मॉडल, ये दोनों मिलके फिर जेडीयू या एनडीए को नुकसान पहुंचाएगा क्या? देखिए एक बात इस चीज को समझिए, अपने देश में आजकल इस पर बहुत लिखा भी जा रहा है, बहुत चर्चा भी हो रही है, रेवड़ी संस्कृति आप देखते हैं ना कि भाई आप ये कर रहे हैं दूसरा ये कर रहा है। सबसे ज्यादा रेवड़ी संस्कृति वाला कौन सा प्रदेश है? वो है तमिलनाडु। मैं आपको जस्ट एक उदाहरण देता हूँ, रेवड़ी संस्कृति के बावजूद आज देश में अगर देखिएगा तो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट पर कोई एक प्रदेश खर्च करता है तो है तमिलनाडु। कारण है कि उसके यहाँ आज की तारीख में सबसे ज्यादा औद्योगिकरण हुए हैं, सबसे ज्यादा औद्योगिक इकाइयां हैं, तो वो रेवड़ी वाली भी बात करते हैं और साथ साथ चूंकि आप जब तक अपना रिसोर्स नहीं बढ़ाइएगा तो कहां से लोगों को बांटिएगा। तो देखिए जनता की अपेक्षा किसी प्रदेश में ले लीजिए, सब जगह भी आप देखिए ना, उड़ीसा में अभी भाई भारतीय जनता पार्टी वहां पर आई, वो आगे सरकार को जितनी महिलाएं हैं उनको 10,000 रुपया दे देंगे। अब आप रोज देख रहे हैं ना कि रात में भी लोग लाइन लगाए हुए हैं। तो ये जो जिसको आप रेवड़ी संस्कृति कहते हैं, हम उससे सहमत इसलिए नहीं है कि भाई अगर आप जनता को देते हैं तो भाई तो आप अपने को देते हैं ना भाई, जो भी अगर 200 यूनिट आप फ्री करिएगा फायदा किसको होगा? हमारे ही लोगों को फायदा होगा। आपको लेकिन व्यवस्था रखनी पड़ेगी। नहीं ठीक है सर, आप जो कह रहे हैं, माफ कीजिएगा मेरा उसमें एक क्रॉस क्वेश्चन है, नहीं ठीक है, आप कह रहे हैं कि रेवड़ी संस्कृति या आप जो ये कीजिएगा तो उससे फायदे वाली बात या व्यवस्थाएं वाली बात, तमाम चीजें सही हैं, लेकिन ये तो मानिएगा ना कि आपकी सरकार में बिजली जो है सबसे महंगी है और जो अब जो सस्ती बिजली बिहार सरकार खरीद सकती थी उसे भी महंगे दर पे खरीद रही है, और ये नियम मुझे आज तक नहीं समझ में आया कैसा क्यों। देखिए पहले क्या होता था कि बिजली का उत्पादन भी राज्य सरकारें करती थी और उनके अपना, आज जो है देश में चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो निजी क्षेत्र हो बिजली का उत्पादन बढ़ रहा और आगे बढ़ेगा भी। तो देखिए बिजली का जहाँ तक खरीद का है या उसकी मार्केटिंग का है, उसका रेट का, उसको तो हमको बहुत नहीं पता है, लेकिन आज की तारीख में बिजली आपके लिए आवश्यक इनपुट है जी, चाहे वो कृषि के लिए हो, उद्योग के लिए हो, जनता के लिए, भाई आपको पेयजल देना है कैसे करिएगा, तो बिजली में तो जो खर्च आएगा वो तो करना पड़ेगा। लेकिन ये जो अगर आप जितना ज्यादा लोगों को, आखिर देखिए आप सहूलियत किसको दीजिएगा? जो आपके बिहार में रहते हैं उन्हीं को दीजिएगा, और ये भी तो पूरा ट्रांसपेरेंट ना होता है, जो मीटर लगाया हो ना दीजिएगा आप कि भाई आप इतना हम दे देंगे। तो देखिए ये आप दिल्ली में देख लीजिए कब से चल रहा है, तो ये बहुत सारे स्टेट्स में दिया हुआ है। लेकिन स्मार्ट मीटर की जो व्यवस्था है ये मुझे नहीं लगता है कि सर इंडिया में कहीं ज़्यादा इसको लागू किया गया है, सबसे ज़्यादा बिहार में ही है, और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि यूपी में लागू करने की कोशिश की गई थी सफल नहीं हो पाया था, तो ये स्मार्ट मीटर ने तो परेशानी बढ़ाई है। देखिए एक बात जरा देखिए, एक बात इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, बिजली की खपत बढ़ेगी, जो जलवायु परिवर्तन हुआ है ना इसी बार आप देख लीजिए जरा इतनी गर्मी पड़ी है। मैं अमित जी बहुत जिम्मेवारी के साथ कर रहा हूँ कि आगे आने वाले शहर में समय में शहर तो छोड़ दीजिए, ग्रामीण इलाकों में खूब एसी लगेंगे क्योंकि वहाँ भी लोगों की जो आमदनी बढ़ी है, अब पता चला 45 डिग्री 46 डिग्री 48 डिग्री में कौन रहेगा, जब बचेगा तब ना आगे कुछ काम करेगा, तो बिजली का रिक्वायरमेंट तो बढ़ेगा ही आगे आने वाले समय में। मैंने समझिए ये नहीं कि पहले क्या होता, आप देखिए आप तो डाटा आप लोग रोज देखते हैं कि भाई 2005 में जब सरकार आई थी तो मुश्किल से 700 मेगावाट की खपत थी, आज अब 7,000 के आसपास है और आगे आपको 17,000 जाएगा। तो देखिए आप अपने पास जो है ना आपको तो बिजली खरीदनी पड़ेगी, उसके लिए रिसोर्स की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ठीक है सर, मतलब आपको मानना है कि तेजस्वी यादव की इस घोषणा से कोई खास फायदा नहीं होने वाला है? नहीं, फायदा ये होगा कि जनता को लगेगा कि नहीं भाई देखिए सरकार हमको इतना फ्री दे। देखिए आज तो कॉम्पिटिटिव है ना, राजनीति कॉम्पिटिटिव है, वो 200 कहेंगे आप कहिएगा 300, तो स्वाभाविक कहेगा नहीं तो हमको 300 देने जा रहे, स्वाभाविक है। देखिए आखिर ये बताइए, हम लोग देहात में कहते हैं
कि घी कहाँ गिरेगा, दाले में नहीं, चाहे वो तेजस्वी जी दे, नीतीश जी दे, फायदा तो बिहार के लोगों को होगा ना। ठीक है सर, मेरे आखिरी के एक दो राजनीतिक सवाल आपसे रहेंगे कि बतौर बीजेपी नेता और बतौर नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा जानने वाला, आपको भरोसा है कि जेपी नड्डा के सामने जो नीतीश बाबू के मुंह से बात निकलती है ना, क्योंकि उनके साथ में बहुत वर्षों से रहा हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। देखिए, एक तो जब नीतीश बाबू के मुंह से बात निकलती है ना, क्योंकि उनके साथ में बहुत वर्षों से रहा हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं लगता आपको? अच्छा, नहीं अच्छा लगता भाई। किसी नेता का निर्णय निर्णय होता है, उसमें उनको किसी से क्षमा क्या मांगना होता है जी? जो हमारा निर्णय निर्णय है, निर्णय गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, हमारा निर्णय निर्णय है, उसमें क्षमा किसी क्या मांगना। नेता तो अपने, नीतीश बाबू नेता अपने बूते पर नहीं बैठे, इसमें क्षमा क्या किसी से मांगना होता है। हाँ, अपनी एक बात तो सामने रख रहे हैं कि ठीक है हम आज आप इस अलायंस में इसी में रहे, तो लेकिन हमको व्यक्तिगत रूप से देखिए, बड़े नेताओं का इस प्रकार से क्षमा मांगना अच्छा नहीं। लेकिन कई बार क्षमा मांग चुके हैं, देखिए तो हमको अच्छा नहीं लगता। अच्छा अच्छा, आरजेडी के द्वारा कुछ वीडियो भी एक आया है सामने, जिसमें कहा जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है कि देखिए राबड़ी देवी के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। हालांकि उस वीडियो में बहुत ज़्यादा ऑडियो क्लियर नहीं है कि नीतीश जी क्या कह रहे थे, लेकिन वो वीडियो वाकई आरजेडी की बैठक का है जिसमें नीतीश कुमार और लालन सिंह नजर आ रहे हैं। और देखिए एक बात मैं बता दूँ, जब आप अलायंस में होते हैं और अलायंस बदलते हैं तो माहौल तो अलग अलग होता है, और आज चूंकि पूरा का पूरा कैमरा का जमाना है, आज आप जो बोल रहे हैं उस सब का जो है वीडियो होता है, अब कल उसको किस परिप्रेक्ष्य में रखा जाएगा। लेकिन एक बात जरा समझिए कि जब भी किसी के साथ जाइएगा तो क्या कहिएगा, या किसी को छोड़िएगा तो क्या कहिएगा? एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि भाई राजनीति में लोगों की आस्था होनी चाहिए, राजनीति में लोगों को लगे कि जो सरकार है वो हम लोगों की सेवा के लिए है, ये लगना चाहिए। और नेता का दायित्व होता है कि भाई सरकार आप किस प्रकार से गठन करते हैं, इस पर जनता का बहुत रुचि नहीं रहता है, जनता को आपसे कितना लाभ मिला, आपने कितनी अच्छी सेवा जनता को दी, ये उनके दिमाग में रहता है। आखिरी सवाल सर मेरा आपसे, प्रशांत किशोर की भूमिका आप देखते हैं 25 में, या अभी शुरुआत कर रहे हैं, अभी टाइम लगेगा? देखिए मैंने कई बार बोला है, प्रशांत जी हम लोगों के साथ काम किए हैं, मेहनत करते हैं, और मैंने बताया है कि मैंने इसलिए स्वागत किया है कि भाई नए लोग राजनीति में आते हैं तो थोड़ा राजनीति में एक जो प्रतिस्पर्धा है ना वो और बढ़ती है। चलिए, तो हमारे साथ आरसीपी सिंह थे। देखिए हम बतौर बीजेपी नेता आज इनसे बात कर रहे थे, और साथ में ये भी मैंने बार बार कहा कि नीतीश कुमार को बेहतर जितना ये समझते होंगे शायद ही कोई समझता होगा। एक बात तो इन्होंने जो कही है कि नीतीश कुमार जी का बार बार इस तरह से माफी मांगना अपने निर्णय पे, वो उन्हें खटकता है। अब क्यों खटकता है ये आप बेहतर समझते होंगे।